तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ही पसंद करने लग गए हैं सब। वैसे जारा घर भी इतना प्यारा है, मुझे तोड़ नहीं दोगी? प्लीज ना बेटे, दिखाओ जरा, दिखाओ बच्ची को, घर दिखाओ। जा मेरा पुत्र, छत भी दिखा के आ, वो छोटा कमरा दिखा जहां तीन चार पाइया ऊपर तले पड़ी हुई है। वो तुम्हारी फूफी के सितारा जी आके उसी जगह पे रहते हैं। ओह माय गॉड, अमेजिंग आर्किटेक्चर। ओफ, किस तरह बना लेते थे लोग ये ऐसी चीजें, पहले तो टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। इतनी स्पेस, तो ये बता, बाहर ना रिच लोगों की इतनी स्पेस होती, लाइक एक्सट्रीमली रिच पीपल से ना खूबसूरत व्यू है, डैड तो पागल हो जाएंगे। पूरी दुनिया घूम ली है, लेकिन लाहौर इज फर्स्ट लव। तुम्हारे डैड से तुम्हारी बहुत बनती है। बहुत बहुत बहुत। सिबलिंग्स ही तरह लड़ते हैं हम। उफ, कभी मैं बताऊंगी कहानी। कबीर की दोस्त होने का यही फायदा है, कभी इधर ले जाता है कभी उधर। लास्ट टाइम हम कहाँ गए थे? हाँ, धमाल पे गए थे। ओह, इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। पुरानी दोस्त हो कबीर की? हाँ, बल्कि नहीं, फैन हूँ उसकी, बिगेस्ट फैन, अंडरग्राउंड डेज से उसकी फैन हूँ। वैसे उसने कभी मुझे मेंशन नहीं किया। इतना कमीना है। वैसे ना तुम दोनों आर्टिस्ट लोगों, अपनी इतनी बातें होती होंगी करने की, हम जैसों को कौन याद रखेगा। मैं भी वैसे कबीर से कुछ अरसा पहले ही मिली हूँ। हैं? कबीर को देख के तो नहीं लगता, जब से मैं आई हूँ ना, ज़ारा 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 सुनी जा रही हूँ। हाँ, ओफ, एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक रैपर। आई एम सो लकी कि मैं फ्यूचर सेलिब्रिटीज से अभी मिल चुकी हूँ। मुझे आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। दे दें। ओफ, आई एम सीरियस, आप दोनों इतने टैलेंटेड हैं, आपके रिलेशन का ना स्टोरी इज लाइक अ मूवी, बहुत फिल्मी है। सीरियसली? हाँ, वैसे ना मुझे आपसे और आपकी फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा। सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच, सी यू सून। आई थिंक ट्रैफिक कम होगी तो मैं ही गाड़ी निकाल लेती हूँ। हाँ, फिर बाय। सॉरी यार, वो बताए बगैर आ गया। इट्स ओके। नहीं, वो ईशा। ईशा सुनती नहीं। तुम्हारा अपना दिल नहीं था यहाँ आने का? नहीं, दिल तो था। दरअसल मैं सफाइयाँ मत दो, रिलैक्स। असल में हमें मौका नहीं मिल पा रहा था कि हम आराम से बैठ के बात करें। ये रैप बैटल में बिजी होना, जिंदगी के रोले। इट्स ओके कबीर, मैंने कंप्लेन की है तो नहीं, लेकिन आई कैन फील इट। तुम फिलहाल रैप बैटल पे फोकस करो, बाकी की बातें बाद में देख लेंगे। नहीं, वो रैप बैटल की मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। बस देखना ये विकी का क्या हाल होता है। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलो, चलता।
से पहले वो घड़ी ठोक। खैर से जाओ। अपने नाना को समझा दें रैप बैटल क्या होता है। मुझे सुनकर तो शॉक में चले गए, उल्टा जुत्ते मारना शुरू हो गया। वैसे मुझे क्या कहना है तुम्हारे अंदर स्ट्रेस में होना तो मसाज है और बातें करी जाए, जो मर्जी हो सारा कुछ खत्म हो जाता। आ जाए करो तुम भैया, यहाँ पर भी तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ही पसंद करने लग गए हैं सब। I'm glad I met you, Miss Sarah. ये क्यों कहा? बस हाँ साथ रहेंगे आप। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।